नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ नजरे आलम और आप देख रहे हैं द नेटिजन न्यूज। दोस्तों, आज होली का पर्व पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। होली के रंग घरों से लेकर सड़कों तक हर तरफ दिखाई दे रहे हैं। बच्चे अपने दरवाजों पर होली खेल रहे हैं तो युवकों की टोलियां सड़कों पर घूम रही है। प्रशासनिक अधिकारी कार्यालय परिसर और अपने अपने आवासों में होली खेल रहे हैं। कई स्थानों पर सामूहिक होली मिलन समारोह के कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। इसी कड़ी में हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी बांदा के अवस्थी पार्क में योग गुरु प्रकाश साहू ने होली मिलन समारोह का आयोजन किया। इस होली मिलन समारोह में सभी राजनीतिक दलों के साथ साथ सभी धर्मों के लोग शामिल हुए। इस होली मिलन समारोह में बड़ी संख्या में महिलाएं और बच्चे भी शामिल हुए और हर्षोल्लास के साथ होली का पर्व मनाया। क्या नाम है आपका? साधना चौहान। सबसे पहले तो आपको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं और जो भी हमारा ये देख रहे हैं सबको बहुत बहुत होली की शुभकामनाएं। और अवस्थी पार्क की होली, जैसा कि आप लोग जानते हैं, कम से कम 20 साल से लगातार निरंतर चल रही है और ऐसी सौहार्द पूर्वक प्रेम पूर्वक ये होली मनाई जाती है कि यहाँ पे जो भी आता है एकदम उसका मन प्रसन्न चित हो जाता है। जैसे आजकल हर कोई टेंशन में है, डिप्रेशन में है, इस होली जैसे पवित्र त्योहार पे हम मिलते हैं, एक दूसरे से हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, थोड़ी देर के लिए अपने सारे दुख दर्द भूल जाते हैं। इसलिए इस सौहार्द पूर्वक प्रेम पूर्वक मनाई जाने वाली होली में आप सभी लोग दिल खोल के होली को एंजॉय करिए। अगर आप इस होली को ऐसे ही प्रेम पूर्वक मनाएंगे तो किसी को भी डिप्रेशन नहीं होगा, किसी को भी टेंशन नहीं होगी और इस होली को आप ऐसे रंगों, जैसे रंग हमारे जीवन में कई कलर के होते हैं, उसी अपने जीवन में कई कलर की भर सकते हैं होली के माध्यम से भी और अपने जीवन को जीने के तरीकों को चेंज करके भी। इसलिए सभी लोग योग करें, सभी लोग अवस्थी पार्क में जैसे हर साल आइए। अगर आप इस साल चूक गए तो अगले साल आइए, क्योंकि ये निरंतर चलती ही जा रही है और इसका प्रेम और तरीका बढ़ता ही जा रहा है। कई कलर है, हरा, लाल, पीला, नीला, हम चाहते हैं कि सभी के जीवन में ये सभी कलर ऐसे ही खिले, सब लोग ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहें प्रेम पूर्वक और सब लोग खूब एंजॉय करें होली को। और सब लोग अवश्य आइए अपने अपने जीवन में, जहां कहीं भी हैं, अगर यहां से चूक गए हैं तो जहां कहीं भी आप हैं वहीं पे आप अपनी होली को एंजॉय करें। इसमें कोई गम ना रहने दें, किसी से बैर ना रहने दें। अगर आपका कोई वैरी है जिसकी वजह से आपको टेंशन हो रही है तो आप उससे भी मिलें, उससे भी होली रंग लगाइए, फिर देखिए कैसे दिल मुस्कुराते हैं। होली के दिन रंग मिल जाते हैं, रंगों से रंग दिल खुल जाते हैं। इसलिए सब लोग खूब जी भर के जिए। हैप्पी होली। नाम बेटा आपका? मेरा नाम अंजलि सिंह है। अंजलि जी, आज आप कहाँ होली खेलने आई हैं? अवस्थी पार्क में। इसके द्वारा यहाँ आयोजन किया गया है? गुरु जी ने यहाँ पे बहुत अच्छा आयोजन किया गया। कैसा लगा आप लोगों को यहाँ? हम लोग को बहुत अच्छा लगा, हम लोग हर साल यहाँ पर आते हैं। मेरा नाम प्रकाश साहू। प्रकाश जी, किस तरह की होली थी और कहाँ पर होली है? कौन कौन? ये पतंजलि योग प्राणायाम केंद्र है जहाँ पर निःशुल्क योग सिखाते हैं। प्रत्येक वर्ष एक होली का बहुत अच्छा कार्यक्रम मनाया जाता है। रंगों का त्योहार हर्षोल्लास के साथ आता है। फागुन का महीना कली है, बसंत पंचमी का आगमन होता है सुबह आने पर। और हम आपसी सहयोग से सभी लोगों को साथ सम्मान आदरणीय मान करके लोगों को अपने यहाँ बुलाते हैं। केवल फूलों की और गुलाल की, गुलाब के फूल होंगे और गुलाल होगा, इसकी हम होली खिलवाते हैं। रंग का कोई कारण नहीं हमारे पास में। इसके बाद हम
जो हमसे बन पड़ता है वो नाश्ता कराते हैं, ठंडाई भी पिलवाते हैं लोगों को, बिना भांग की कोई नशा वाला काम नहीं, क्योंकि हम योगी है। और सब एक दूसरे से मुलाकात करवा देते हैं, लोग जो बिछड़े रहते हैं मुलाकात में होती है। दूसरा, होली रंगों का ऐसा त्योहार है जहाँ सारी बुराइयां खत्म हो जाती है, जो एक दूसरे से बोलते नहीं है वो भी गले लग जाते हैं, तो सबका सहयोग मिलता है। सभी हमारे आने वाले सम्मानित हैं, आदरणीय है हमारे लिए, उनका भरपूर सहयोग मिलता है और उस कारण हम ये बहुत भव्य होली खिलवाते हैं पर लोगों को। सर्वधर्म वाले का लोग काम है, यहाँ किसी से कोई जात न कोई पार्टी, ऐसा नहीं कि कोई सपा वाला है, कांग्रेस को बुला रहे हैं, हम बीजेपी वालों को बुला रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हम सबको बुलाते हैं, सपा वाले भी हैं, कांग्रेस, किसी भी दल के लोग बाघ हों, वो हमारे बीच में आते हैं, दिल खोलकर होली खेलते हैं। यहाँ हम सुरक्षा व्यवस्था महिलाओं को देते हैं, उनके हिसाब से हम उनको होली खिलाते हैं, हमारे गारंटी पर वो यहाँ पर आते हैं, होली खेलती हैं। ये बहुत अच्छा लगता है यहाँ पर आकर के, किसी प्रकार की कोई अराजकता हम यहाँ होने नहीं देते हैं। हम पुरुषों से कह रहे थे कि आप अपने स्थान पर होली खेलिए, महिलाओं को अपने स्थान पर होली खेलने दीजिए, तो ये विश्वास मान लीजिए या जो भी मान लीजिए, हमारे योग केंद्र की शिष्याएं भी हैं और आदर्श हो जो उनके व्यवहार में आती है महिलाएं, वो उनको अपने साथ में लेकर आती है। धीरे धीरे ये इसका विस्तार होता जा रहा है, अब महिलाओं के अंदर एक डर खत्म होता जा रहा है। ये होली रंगों का त्योहार है, गले मिलने का त्योहार है, मिष्ठान खिलवाते हैं, गले मिलवाते हैं और ठंडाई पिलवाते हैं। और आने वालों का सबका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।